भाई ये जो काम है अभी तक हो चुका है, देखो लाइटें लुटे लग चुकी हैं सोफे 51,000 रुपए सगन पूरा पे सगन पे है। उस नाम क्या था उसका? 4 लाख रुपए की जी। तो पता है साडा एक नवा रेस्टोरेंट ओपन होने वाला है ते ओदियां तैयारियां चल रही ने। बड़े दिन तो व्लॉग नहीं है, तुसी भी कह रहे होगे कि सीरीज तो स्टार्ट की थी, ये एक एक चीज दिखावांगे, बट असि इन्ने बिजी हो गए कि व्लॉग भी नहीं बना पाए थे, रेगुलर रील्स भी नहीं पा पाए थे, ओदे वास्ते सॉरी है। बट हुण असीं पूरी कोशिश करांगे कि रील्स भी रेगुलर आण ते व्लॉग च भी पूरी अपडेट मिले। ते कुछ बिल्कुल थोड़े दिनां च रेस्टोरेंट दी ओपनिंग होने वाली है। मैं पहले ही इनवाइट कर देना सब नूं कि तुसीं सब ने आना ते सब ने प्यार देना है। ते हुणे ओह आ रहा है पक्खे वाला, हमने पक्खे ऑर्डर करे हैं तो पंखे वाला आ रहा है। दिखाते हैं आपको कैसे पंखे हैं, क्योंकि ना हमारे वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एसी लगा हुआ है, बट अगर हम सारे एसी चलाएंगे तो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा, तो उसके लिए भी हमने ना जुगाड़ ढूंढे हैं। बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा और पंखों से क्या है हवा कोनों कोनों में फैल जाती है, तो इसलिए हम पंखे ले रहे नहीं। तो अभी पंखे आ गए हैं, आपको दिखाते हैं कौन से पंखे हैं और कितने के बड़े हैं, सब कुछ बताते हैं। पहले हमने ना पंखे लेने थे, बट पंखे वाले का फोन आ गया, वो आया नहीं, तो आप पीछे से ना जो घर पे बंदे होंगे वो पंखे ले लेंगे, हम आपको बाद में दिखा देंगे। तो अभी हम जा रहे हैं INA मार्केट, क्योंकि ग्रोसरी लेनी है रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना डिफरेंट चीज़ें बनेंगी, क्योंकि जो हमारा पहले वाला रेस्टोरेंट था तो उसकी यहाँ से मिल रही थी, तो यहाँ पे जो अब नई चीज़ें बननी है उसकी नहीं मिल रही, तो वहाँ पे जाके देखेंगे एक बार। बाकी रेस्टोरेंट का ना बहुत सारा काम डन हो चुका है, जो आखिरी का 5-10% काम बचा है, वो भी बड़ा छोटा छोटा काम है, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दो दिन में वो कंप्लीट कर दें। फाइनल टचअप्स रह गए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे रेस्टोरेंट का ना नाम का बोर्ड भी लग चुका है, तो अभी ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जो यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट के आसपास रहता है उनको पता चल गया होगा, अगर आपको पता चल गया आप कमेंट कर दो कि क्या नाम रखा गया है, नहीं तो जब हम व्लॉग रिवील करेंगे ना कि क्या चीज़ें हैं क्या नाम है, तो उसमें हम रिवील कर देंगे नाम, बट बोर्ड हमारे रेस्टोरेंट का नाम का लग चुका है। भाई जिदा हॉलीडे होमवर्क का पर्चा होता ना कि ए भी बनाना वो भी बनाना, तो उस हिसाब ना ए भी पर्चा भाई, इसमें सारी ग्रोसरी और चीजें लिखी हुई हैं, जिस पे क्रॉस लगा हुआ है वो लेनी है। हाँ। भाई साहब ये तो बड़ी सारी है, ये तो एक पेज ये है, सारी इम्पोर्टेड चीजें जो उनसे हमने लेनी है, मतलब इम्पोर्टेड माल यूज करेंगे भाई हम सारे। हमने अभी INA मार्केट जाना है, जो क्रॉस लगी हुई है वो हमारे इधर मिली नहीं इम्पोर्टेड चीजें, तो वहां से जाके लेके आएंगे। आज मैं आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे विनेगर बाहर का है, मतलब विनेगर नॉर्मल वाला विनेगर भी होता है, बट हमने अच्छे वाला लेना है इम्पोर्टेड वाला। फिर ऐसी ऐसी सॉसें लिखी हुई हैं हमारे शेफों ने जो हमें ही नहीं पता हैं, इन्होंने लिखी है कोविनोर, पता नहीं भाई। एक चीज और, अगर किसी का भी ना ये मसाले या इन चीजों का काम हो तो आप हमें ना DM कर देना, होलसेल में DM कर देना, या मेल कर देना, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, या कमेंट कर देना अपना नंबर, तो जैसे भी हो आप हमें मैसेज कर देना, रीच आउट कर देना, ताकि आपका भी बिजनेस बढ़े हमें भी सहूलियत हो जाए। भाई जो हम पहुंच गए नेहरू प्लेस, पहला स्टॉप हमारा नेहरू प्लेस है, क्योंकि यहाँ से हमने लेने हैं कैमरे, क्योंकि यहाँ सेटअप थोड़ा सा बड़ा है ना, तो उसके लिए कैमरे लगाने बड़े जरूरी हैं, ताकि हमारी आंखें दो हैं बट हमारी ना कैमरे लगाने के बाद आंखें हर जगह हो जाए, हमें हर जगह का पता चले कि हर जगह ना फंक्शनिंग सही से हो रही है। अगर मेरे पास ना वैसे कैमरे का एक बहुत बढ़िया ऑल्टरनेटिव है, चार पांच जनानियां बिठा देते हैं रेस्टोरेंट में, भाई उनको ज्यादा खबर रहती है कैमरे से, वो तो अंदर की जांच पड़ताल करके भी बता देंगे, आवाज भी नहीं आएगी प्रॉपर, वो हर चीज बताएगी। हाँ। पर उसको मसाला लगा के बताएगी। हाँ, ये तो है, वो बिठाने का ना एक नुकसान भी है। हाँ। फिर कपल नहीं आएंगे हमारे पास। हाँ। वो कहेंगे फिर ये हमारे पापाओं के पास मम्मी के पास जाके कहेंगे बड़ा मुंडा है, कुड़ी शर्म मेरी कुड़ी नाल है। हाँ, थोड़ा मुंडा लेके जा रहे कुड़िया ना, तुम मैनू कद लेके जाओगे। भाई कैमरे का काम सारा डन हो गया, कितने के आए हैं कैमरे? 51,000 रुपए सगन पूरा पे सगन पे है ना, 51,000 रुपए के कैमरे आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं INA मार्केट, क्योंकि वहां से अब हमने लेनी है ग्रोसरी, और टाइम हो गया 5:41, अब हमें जाम मिलेगा, थोड़ा सा धक्के खाते हुए जाएंगे बट पहुंच जाएंगे। ऐसे हमने ग्रोसरी करनी है, पर पहले हमें ना हंट करनी पड़ेगी कि कहाँ से सस्ता मिलता है, ताकि हम रेगुलर ले सके, एक बार के लिए तो लेना नहीं हमने, कि 10-15 रुपए महंगा मिल गया चल कोई नहीं धक्के नहीं खाने, ऐसे वेंडर ढूंढने जो हमें सस्ता देते और लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया। भाई पहली बार इस मार्केट में आया और पता चल रहा है तो बिल्कुल अलग मार्केट है, टेलर एडवोकेट सब कुछ है भाई इधर।
भाई अभी हम गए थे दुर्गा मसाला स्टोर, यहाँ पे इनके पास भी कुछ नहीं है, तो इन्होंने बताया न्यू आनंद स्टोर है, एक दो ही मिले हैं इंडियन मसाले हैं, हाँ इम्पोर्टेड नहीं है, तो न्यू आनंद स्टोर है उधर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। हमारी मौज चल रही है भैया, सामान निकाल रहे हैं, हम अंकल के पैसे नहीं लग रहे, पैसे तो लगने हैं, हम अंकल की फ्रिज में से वो कोक निकाल के पिए जा रहे हैं, फ्लेवर है वनीला फ्लेवर, हाँ उस नाम क्या था उसका पाकिस्तान वाली ड्रिंक का, पकोला, हाँ पकोला जैसी है थोड़ी को। ग्रोसरी हमारी हो गई है ऑलमोस्ट, हमें 2 घंटे लग गए, और मेरे तो भाई मेरे को तो वो इन्फेक्शन हो रखा था, मेरे को तो पेट में ऐसी दर्द हो रही थी ना, मतलब क्रैम्स क्रूम सब पड़ रहे थे मेरे, तो बड़ा औखा हुआ था बैठने के लिए, बट कोई नहीं बैठ गए, काम हमारा डन हो गया सारा, अब कल हमारी टेस्टिंग शुरू है, कल आपको दिखाएंगे, जाना पहले सब्जियां लेने, अच्छा मतलब कल शाम को हम आराम से बैठ के दावत करेंगे, कल हमारी दावत है शाम को, अरे कल ही हो जाएगा सारा, परसों शाम को क्या दावत होगी, देखते हैं बाकी इंसान है हम कितना खा लेंगे, तो देखते हैं कल और परसों टेस्टिंग ही चलेगी। तो हम लेने जा रहे हैं कॉफी मेकर, जो मशीन है वो लेने जानी है, पहले हमने लास्ट नगर से लेनी थी बट हम लेट हो गए हैं, तो पाजी घर ही ले गए हैं, तो उनके घर से अब हम उठा लेंगे, कौन सी मशीन है वो भी दिखा देंगे आपको। ऐसे ही मैं बीमार हूँ बट मेरे को जी कर रहा है, मैं और बीमार हो जाऊँ, मेरा जी कर रहा है आज मैं चिकन पकौड़े खाऊं, कोरियन चिकन खाऊं, जब बंदा बीमार होता ना तो ही उसकी जीभ लपलपाती है कि आज ये भी कर लूं आज वो भी कर लूं, फिर खा भी लूंगा तो बीमार इतना हो जाऊंगा भाई, अभी इतनी दर्द हो रही है और दर्द शुरू हो जाएगी, इंजेक्शन लगवाए हैं 2 दिन से, इंजेक्शन लगवाया मैंने तब जाके राहत मिली है, अब फिर दर्द शुरू हो गया, और दर्द क्यों हुई है, पहले ना मैं नॉर्मल चिकन 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 खा रहा था, एक दिन मैंने गलती से भिंडी रोटी खा ली, वेज खा ली, हाँ भाई साहब क्या बताऊं, उस दिन सेम हाल पहले हुआ था, हाँ जब थाईलैंड जाना था, मैं लोग थाईलैंड जाने के लिए उत्साहित होते हैं, बीमार हो गए, भाई कॉफी मशीन हमने ले ली है बट अभी आपको दिखाई नहीं है क्योंकि पाजी के घर से ली थी तो तब रिकॉर्ड नहीं किया, बट अब हम आ गए हैं बर्तन का सामान लेने, थोड़ा बहुत रहता था सामान लेते हैं, फिर वो भी जाके रेस्टोरेंट में छोड़ते हैं और कॉफी मशीन भी आपको दिखाते हैं, सारा अपना सामान रेडी हो गया है, भैया ने बिल शिल बना दिया है, अभी सामान गाड़ी में रखवाते हैं, तो गाड़ी की सीटें मत फाड़ दियो बस, अभी तो डिग्गी खाली करी है, हाँ डिग्गी में आराम से भाई सारा सामान आ जाएगा, ये सारा सामान रखते हैं, क्या क्या है, बहुत कुछ है नाम मेरे को भी नहीं ध्यान, लगान है पता नहीं क्या क्या है, रानी लगन मूवी की याद आ गई एकदम, भाई थक गए हैं अभी जाके, तू क्या थक गया, साइड में बैठा हुआ टांगे तो मेरी दर्द हुई, गाड़ी चला चला के भाई लूंगा भाई पेन किलर लूंगा, मेरे पेट में दर्द है ना ताँग करके दर्द है, गोलगप्पे खाएंगे, कॉफी मशीन वो रही हैवेल्स की, पहले हमने सोचा था बड़ी महंगी वाली मशीन लेने का बट हमने सोचा यार महंगी नहीं, जिन्होंने सजेस्ट किया था उन्होंने कहा था मशीन आएगी आपकी 4 लाख रुपए की जी, भाई हमने कहा इतनी थोड़ी कॉफियां बेची, हमने थर्ड वेव या वो कैफे कॉफी डे स्टारबक्स थोड़ी खुल लगी, 4 लाख की मशीन ले लें, वो आगे डिपेंड करता है क्योंकि देखो इसका भी काम सेम है और उसका भी काम थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, अगर हमें लगेगा कि हाँ बहुत प्रोडक्शन बढ़ रही है तो थोड़ी सी ऊपर जाएंगे पर 4 लाख की नहीं जाएंगे अभी, भाई दिखा दूँ वो दिखा दूँ क्या दिखा दूँ, बोर्ड, अच्छा पता नहीं क्या नहीं दिखाऊँ भाई, बोर्ड लग चुका है इधर करूँगा तो आप चलो ये आखिरी के 2 अक्षर देख लो एल ए, बाकी नहीं दिखाता अभी, भाई ये जो काम है अभी तक हो चुका है, देखो लाइटें लुटें लग चुकी हैं, सोफे सोफे लग चुके हैं, बाहर काउंटर बन चुका है, मतलब बस थोड़े से ना फिनिशिंग टच रह गए हैं, सेटिंग शूटिंग करनी है बाकी फिर गुड टू गो हो जाएगा। ये हमने फिलिप्स का ना टावर फैन मंगाया, कितने का आया ये, 8,800 कुछ का, अभी 2 मंगाए हैं, अभी आगे भी लेंगे जरूरत पड़ेगी तो, पर अभी ये 2 ही लिए हमने, तो चालू कर दिया, हवा हुआ तो सही आ रही है इसकी, अभी तो कम है आ रही है, अब ले हवा इसकी, हाँ फैन स्पीड बढ़ा दी है इसकी, भाई बढ़िया चीज़ है ये, कॉफ़ी मशीन भी आ गई है अपनी, ये हमें तो चलानी आती नहीं, जिसने बनानी है उससे सीखे हैं कैसे चलती है, बाकी ऐसे नाल इस व्लॉग नु करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं पसंद आए, पसंद आए तो डू इट द लाइक बटन, कमेंट जरूर करके जाना कि लगे, जिन्हें सब्सक्राइब ठोक दो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले दिन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।